चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महसा अमीनी पर और देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों बनी हुई हैं। ईरान की राजधानी तहरान में हिजाब न पहनने पर 22 साल की एक लड़की जिनका नाम महसा अमीनी था, इनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाएं अपने बाल काट के उनके वीडियो शेयर कर रही हैं, हिजाब को सरेआम जलाते हुए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के चलते अब तक 3 लोगों की मौत भी इसमें हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मानो महिलाओं ने अब हिजाब से आज़ादी पाने की ठान ली है। ईरान में महिलाओं के बाल काटने और हिजाब जलाने के पीछे कहीं ना कहीं 43 साल पुराना ईरान का इतिहास रहा है। महसा की अगर बात करें तो ये तेहरान में मेट्रो से सवारी कर रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उन पर सही तरीके से हिजाब नहीं पहनने का आरोप था। इस हिरासत के बाद अमीनी कभी वापस घर नहीं लौट पाई। अगर हम ईरान की पृष्ठभूमि की बात करें तो 1980 से पहले ईरान में उतना ही खुलापन था जितना बाकी पश्चिमी देशों में था। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी थी, वो पुरुषों के साथ घूम सकती थी। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान पूरी तरह बदल गया। मार्च 1979 में एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 98% से ज़्यादा लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के लिए वोट दिया। इसके बाद ईरान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। इस्लामिक क्रांति के बाद आयातुल्ला खोमेनी के हाथों में सत्ता आई। खोमेनी ने ईरान में शरिया कानून लागू करवा दिया। हालांकि विपक्ष ने इसका विरोध किया, लेकिन खोमेनी ने साफ कर दिया कि ईरान में इस्लामिक कानून शरिया लागू होकर रहेगा, और वैसा ही हुआ। शरिया कानून के तहत वहां पर कई तरह की पाबंदियां हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले शाह पहलवी के ज़माने में ये देश महिलाओं को पूरी आज़ादी देता था, लेकिन शाह को देश निकाला मिला और उसके बाद देश में सब कुछ बदल गया। महिलाओं के लिए कड़ा ड्रेस कोड लागू हो गया। ईरान में शरिया कानून लागू होने के बाद वहाँ लोगों पर कई तरह की पाबंदियाँ लाद दी गई। कट्टर इस्लामिक शरिया कानून के चलते पब्लिक प्लेस पर भी लोगों के व्यवहार पर नज़र रखी जाने लगी। इसके साथ ही इस्लाम के खिलाफ व्यवहार करने पर लोगों को सख्त सज़ा का प्रावधान वहां पर है। ईरान के शरिया कानून के अनुसार महिलाओं को बाल ढकने और ढीले ढाले वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है, और ऐसा ना करने पर उन्हें सज़ा और जुर्माने का प्रावधान इसके लिए वहां पर है। जहां तक हम शरिया कानून की बात करते हैं तो ईरान एक इस्लामिक देश है जहाँ सिया बहुल आबादी रहती है और जहाँ शरिया कानून लागू है। ईरान में 7 साल से बड़ी लड़की को बिना हिजाब के घर से बाहर निकलने की मनाही है। इसके साथ ही लड़कियों को 7 साल के बाद लंबे और ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। ईरान में कोई लड़की सार्वजनिक तौर पर किसी मर्द से हाथ नहीं मिला सकती है। यहाँ तक कि ईरान की महिलाओं को पुरुष खेलों को देखने के लिए उन्हें स्टेडियम जाने की इजाज़त भी नहीं है। महिलाएं हिजाब पहने, इसके लिए वहां की सरकार ने मॉरल पुलिस का गठन किया है। यह पुलिस हिजाब के नियम को लागू करवाने के लिए कई बार लोगों पर बेइंतहा जुल्म करती है। ईरान में 60 साल तक की औरतों को बिना हिजाब बाहर निकलने पर जेल में डालने तक का अधिकार है। इतना ही नहीं, ईरान में हिजाब न पहनने पर 74 कोड़े मारने से लेकर 16 साल की जेल तक की सज़ा हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि मॉरेलिटी पुलिस यानी कि नैतिक पुलिस क्या होती है, जो कि ईरान में काफ़ी पॉपुलर रहती है। ईरान में महिलाओं के ड्रेस कोड की निगरानी खास तौर पर मॉरेलिटी पुलिस के ज़िम्मे है, जिसे गश्त ए इरशाद के तौर पर जाना जाता है। इसे गाइडेंस पेट्रोल भी कहते हैं। उनका काम मोटे तौर पर सार्वजनिक तौर पर बाहर निकलने वाली महिलाओं के पहनावे और हिजाब सही तरीके से पहनने की निगरानी करना है। उनके पास किसी भी महिला को रोकने का और उसे देखने का अधिकार है कि उसने तरीके से इस्लामी कानून के अनुसार कपड़े पहने हैं या नहीं।
उसमें ये देखना है कि उनके बाल कतई बाहर नज़र नहीं आए, उनके पैंट और ओवरकोट छोटे ना हो और उन्होंने बहुत टाइट कपड़े ना पहने हों। यही नहीं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेकअप करना भी मना है, आप बहुत ज़्यादा मेकअप भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आज इस टॉपिक पर हमने पूरी बात कर ली है। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।